गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 2 EVS का, माई सेल्फ के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर और फूड वी ईट के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वर्कशीट विच आई हैव प्रिपेयर फॉर यू। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मुझे दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को देखते हुए मुझे इनके अंदर ये भरना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड स्मेल। स्मेल माने सूंघने की शक्ति। हाँ, हाउ हाउ मच यू हैव स्मेल की अगरबत्ती जल रहा है या परफ्यूम है, वो वाला चीज़। ठीक है, टेस्ट मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, टेस्टी है, ये आप कहाँ से बताते हैं? टंग से, टेस्ट से। सी, यू विल यूज योर आइज टू सी, तो आंखों से आप हर चीज़ को देखते हैं। हियर, हियर माने सुनना, कानों से आप हर चीज़ को सुनते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ फील, सो फील इज़ बाय टच, बाय हैंड्स और समथिंग एल्स लाइक योर स्किन, इन चीज़ों से आप टच करके भी देखते हैं। तो पहला जो है, आई कैन डैश डिफरेंट शेप्स, तो मैं डिफरेंट शेप्स को क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ भाई? सी कर सकता हूँ। आई कैन सी डिफरेंट शेप्स, मैं डिफरेंट शेप्स को देख सकता हूँ, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, इन सब चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ? देख सकता हूँ। सेकेंड, आई कैन डैश स्वीट्स, मैं क्या कर सकता हूँ स्वीट्स को? टेस्ट कर सकता हूँ। आई कैन टेस्ट, है ना, मैंने मालपुआ बनाया है, मैंने मिल्क केक बनाया है, मैंने काजू कतली बनाई है, मैंने कौन सी बर्फी बनाई है, वो टेस्ट से बताऊँगी मैं। द नेक्स्ट इज, आई कैन डैश हॉट मिल्क, तो क्या कर सकते हैं भाई? फील कर सकते हैं, गर्म है या ठंडा है ये चीज़ हाथ से टच करेंगे तभी तो बताएंगे, तो फील कर सकते हैं। ठीक है, आई कैन डैश स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, तो मुझे फ्लावर का क्या आएगा? खुशबू आएगा, तो मैं क्या करूँगी? स्मेल करूँगी। क्या करूँगी? स्मेल। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, आई कैन डैश सॉफ्ट म्यूजिक, तो म्यूजिक को तो मैं क्या कर सकती हूँ? हियर कर सकती हूँ, कानों से सुन सकती हूँ। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द फॉलोइंग। ठीक है, तो अभी आपका टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट में ये क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आप नोटबुक में भी लिखेंगे। तो सभी बच्चों का आज का होमवर्क क्या हो जाएगा? इन्हीं क्वेश्चंस को अपने EVS की पेयर नोटबुक के अंदर आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो चले आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर ईटेबल मेड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से बनने वाली चार चीज़ों के मुझे नाम बता दो आप। बहुत ही आसान है। सबसे पहले कर्ड तो सबने खाया होगा भाई, कर्ड माने दही, और सबको पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है, तो चीज़ भी सबने खाया होगा, येस और नो भाई? उसके बाद एक चीज़ घर में बहुत बनता है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो खीर बना ली जाए, तो क्या हो गया? खीर हो गया। और क्या बनता है भाई, बताओ जल्दी से बताओ, और क्या बनता है आपका? कस्टर्ड बनता है। ठीक है, कस्टर्ड खाया है कभी? कस्टर्ड बनता है फ्रूट वगैरह उसके अंदर डाल के। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं ऐसा जो दूध से बनता हो। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे बादाम मिल्क लिख सकते हैं, आप चाहें तो किसी मिठाई का नाम लिख सकते हैं जो खोए से बनती है, खोया दूध से बनता है, मलाई से बनता है, तो एनी काइंड ऑफ थिंग विच यू आर फेमिलियर विद इट, जिसको आप यूज करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आई हैव जस्ट रिटन फोर, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, और चार तो एटलीस्ट लिखना ही आपको, पर इनके अलावा भी अगर आपको कुछ पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, द फोर वेजिटेबल्स यू लाइक टू ईट, तो ऐसी चार वेजिटेबल्स जो आपको खाना पसंद है। ठीक है, तो भाई मैं अपने हिसाब से लिखूंगी, पर आप बच्चे अपने हिसाब से अपने मम्मी पापा से स्पेलिंग्स पूछ के बिल्कुल सही स्पेलिंग नोटबुक में लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, कौन सा चार वेजिटेबल्स मुझे पसंद है? द फर्स्ट वन इज लेडी फिंगर, पसंद है सबको लेडी फिंगर? द नेक्स्ट वन इज कैरेट, ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज रेडिश, एंड देन माय फेवरेट इज पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, किसी का फेवरेट नहीं हो सकता पोटैटो, बट पोटैटो इज अ वेरी गुड वेजिटेबल। ठीक है,
सो दीज आर द फोर वेजिटेबल्स विच आई लाइक, बट आप अपनी नोटबुक में वो लिखेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, फोर फ्रूट्स यू लाइक टू ईट। तो जैसे हमने वेजिटेबल्स का लिखा, ऐसे ही हम फ्रूट्स के नाम लिखेंगे। तो फोर फ्रूट्स विच आई लाइक इज मैंगो, ऑरेंज, बनाना एंड ग्रेप्स, एंड ग्रेप्स, ठीक है। आप इसके अलावा लिखना चाहें यहाँ पर एप्पल, तो आप एप्पल भी लिख सकते हैं। आपको कुछ और पसंद है, वाटरमेलन, तो आप वाटरमेलन भी लिख सकते हैं। को मस्क मेलन पसंद है तो मस्क मेलन भी लिख सकते हैं, खरबूजा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। पियर लिख सकते हैं, नाशपत्ती पसंद है तो पियर लिख दीजिए। अमरूद पसंद है तो गुवावा लिख दीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ आपको पसंद है, जो फ्रूट आपको पसंद है, आप वो लिखेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट पे चले। फोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के फोर पार्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे मैं ये देख रही हूँ, आईज। किस चीज़ से मैं लिख रही हूँ, हैंड्स। किस चीज़ से मैं सुन रही हूँ, ईयर्स, ठीक है। और किस चीज़, और कौन सी चीज़ होती है आपके पास जिसको आप यूज़ करते हैं, तो मैं किस चीज़ का यूज़ कर कर बोल रही हूँ यहाँ पर, माउथ, ठीक है। तो मैंने चार इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जिनका मैं अभी यूज़ कर रही थी, आइज़ का, ईयर्स का, हैंड्स का एंड माउथ का, ठीक है। आप चाहें तो कोई और भी लिख सकते हैं, लेग्स लिख सकते हैं, है ना, और भी जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं आपके वो लिख सकते हैं, हैंड, एंकल, जगह वगैरह वगैरह जो भी है वो आप लिख सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, फोर फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स से हमें वो चार चीज़ें जो खाने के लिए मिलती हैं वो हमें लिखनी है। तो भाई सबसे पहले क्या मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क। देन नेक्स्ट वी गेट इज एग। और क्या मिलता है, कोड लीवर ऑयल, ठीक है। कोड लीवर ऑयल वगैरह मिलता है, तो कॉड लीवर ऑयल फिश वगैरह का मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं। और क्या मिलता है, मीट, ठीक है। सो और क्या मिलता है, मीट। आप फिश लिखना चाहें फिश लिख सकते हैं, आपके दिमाग में कोई और चीज़ें हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो बाय दिस योर दिस वर्कशीट इज गोइंग टू एंड। वी विल सॉल्व वन और टू मोर वर्कशीट्स बिफोर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम होंगे उससे पहले हम ऐसा एक दो वर्कशीट सॉल्व सॉल्व कर लेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर कर मुझसे पूछ सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। और होमवर्क ज़रूर याद रखिएगा, होमवर्क में आपको यही वर्कशीट आप फेयर सुंदर सुंदर साफ साफ नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या गूगल क्लासरूम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।